जनपद में डेंगू और मलेरिया ने दस्तक दे दी है। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे से मिली जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल में एक डेंगू मरीज को भर्ती कराया गया है, वहीं मलेरिया से पीड़ित दो मरीजों का इलाज किया गया जो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए अपने आसपास सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। जिला अस्पताल में डेंगू और मलेरिया के मरीजों के उपचार के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने डेंगू के लक्षण की जानकारी देते हुए उनके उपचार के संबंध में भी जानकारी दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, जिला अस्पताल में मलेरिया के दो मरीज मिले हैं फिर और डेंगू के भी मरीज मिले हैं क्या? हाँ, मलेरिया के हम दो मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, वो स्वस्थ हैं, और डेंगू के भी एक सस्पेक्टेड मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में मिला हुआ है। वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमको रिपोर्ट किया है, तो उनसे कहा गया है कि आप कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए जिला अस्पताल में सैंपल भेजें जिससे कि हम कन्फर्म कर सकें कि डेंगू है। फिर भी हम एहतियातन इन जितने भी पेशेंट मिले हैं मलेरिया और डेंगू के, उनके घरों के चारों तरफ फॉगिंग और लार्वासाइडल छिड़काव करा दिया गया है और लोगों को सचेत कर दिया गया है कि घर के उनके घर के पास के लोगों को भी जांच हो गई है, जो कि अभी कोई सिम्टम नहीं है किसी के पास। तो अभी तक हमारे ज़िले में डेंगू के मरीज नहीं हैं, और हम जनता से अपील करते हैं कि लोग अगर घर के पास कोई आपके पास टायर है, ऊपर छत पर कुछ चीज़ पड़ी हुई जिस पे पानी छोटा थोड़ा सा भी पानी इकट्ठा हो सकता है, चम्मच के बराबर भी अगर पानी इकट्ठा है वो भी ड्रेन ख़राब है, उसमें भी डेंगू मच्छर पनप जाते हैं। तो इस तरह से किसी भी जगह पर पानी का जमाव ना होने पाए। अगर आपके पड़ोस में कोई नई बिल्डिंग बन रही है तो उस पर जरूर वहाँ भी जरूर ध्यान रखें कि कहीं नई बिल्डिंग में इधर उधर पानी इकट्ठा रहता है, वहाँ डेंगू मच्छर पनपते हैं और जो कि काटते हैं जिससे डेंगू होने के चांसेस रहते हैं। सर, उपचार क्या है इसका? डेंगू का उपचार सिम्टोमेटिक है, जैसे अगर आपको बुखार आता है, ठंडक लग भी बुखार आ सकता है, पेट में दर्द भी होता है, तो पेट में दर्द के साथ में आता है तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं, चकत्ते शरीर पर भी पड़ जाते हैं तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं, डॉक्टर बखूबी समझ लेता है। तो अगर इस तरह से आपको बुखार इस समय आता है तो आप पढ़े लिखे रजिस्टर्ड डॉक्टर से भी संपर्क करें। हमारे CSC PSC पर स्पेशलिस्ट बैठे हैं, उनको उनसे जाके संपर्क करें। अगर आपको इस तरह से कोई सस्पेशन होता है तो वहीं आपका जांच हो जाएगी और उपचार चालू हो जाएगा।